कुछ इस तरह से जो है आप व्हाट्सएप को चालू कर सकते हैं। और अभी मैं इस फोन में दिखा देता हूँ, और यहाँ पे ये जो व्हाट्सएप है वो लॉग आउट हो चुका है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप पुराने फ़ोन से नए फ़ोन में व्हाट्सएप को चालू कर सकते हैं। अगर आपके पास नया फ़ोन है और उसमें आप अपने पुराने फ़ोन का व्हाट्सएप लॉगिन करना चाहते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं। वैसे तो ये लॉगिन करना काफ़ी ईजी है, पर मेन प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि आपकी जो है चैट डिलीट हो जाती है। वैसे तो ये काफ़ी ईजी है, हर कोई कर सकता है, पर मेन प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि लोग की जो है चैट है पुराने फ़ोन में सारी चैट दिखती है, नए फ़ोन में जाके वो डिलीट हो जाती है। तो किस तरह से आप कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपको अपनी चैट का बैकअप बनाना होगा पुराने फ़ोन में, उसके बाद नए फ़ोन में रिस्टोर करना होगा। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप पुराने फ़ोन से नए फ़ोन में व्हाट्सएप को चालू कर सकते हैं बिना चैट को डिलीट किए हुए। तो चलिए जान लेते हैं। चलिए जान लेते किस तरह से आप पुराने फोन का व्हाट्सएप नए फोन में लॉगिन कर सकते हैं। मेन प्रॉब्लम यही आती है कि आपकी जो चैट है वो डिलीट हो जाती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी चैट भी डिलीट ना हो और आपके जो पुराने फोन का व्हाट्सएप है वो न्यू फोन में और लॉगिन हो जाए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये है मेरा पुराना फोन, ये है मेरा नया फोन। तो सबसे पहले आपको पुराने फोन में क्या करना है, पुराने फोन के आपको व्हाट्सएप में जाना है। व्हाट्सएप में जाने के बाद ऊपर आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है, सेटिंग्स पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा चैट, आपको चैट पे क्लिक करना है। नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा चैट बैकअप, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना एक अकाउंट सेलेक्ट कर देना है। अगर ये अकाउंट आपको सेलेक्ट कर देना है, ये जो जीमेल आईडी यहाँ पे आपको दिख रही है, जिस भी जीमेल आईडी पे आपको अपनी चैट का बैकअप बनाना है उसे आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। और ये ध्यान रखें, ये जो भी ईमेल आईडी यहाँ पे आप सेलेक्ट करें वो ईमेल आईडी आपके नए फोन में भी लॉगिन होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक सेलेक्ट कर देना है, फ्रिक्वेंसी आपको यहाँ पे डेली सेलेक्ट कर देना। उसके बाद इंक्लूडेड वीडियो का भी बैकअप बनाना चाहते हैं तो आपको इसे ऑन कर देना है। उसके बाद आपको बैकअप पे क्लिक कर देना है। जैसे आप बैकअप पे क्लिक कर देंगे तो ऐसा कुछ देखने को मिलेगा बैकअप, तो यहाँ पे आपको वेट करना है जब तक ये 100% कम्प्लीट बैकअप नहीं बनता है, तो यहाँ पे आपको वेट करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये हो रहा है, जब तक नहीं होता है तब तक आपको यहाँ पे वेट करना होगा। और जैसे ये कम्प्लीट बैकअप हो जाता है उसके बाद आपको इस फोन को बंद कर देना है। तो यहाँ पे हो रहा है अभी, तो कंप्लीट बैकअप बन चुका है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, आपका जो अकाउंट है इस फोन में जिस नंबर से बनाया है वो सिम आपको नए फोन में डाल लेनी है, और वो आईडी आपको नए फोन में लॉगिन कर लेनी है जिस पे आपने अपनी व्हाट्सएप चैट का बैकअप बनाया है। तो अब आपको अपने पुराने फोन को रख देना है। तो गाइस हम आ चुके हैं नए फोन में, उसके बाद आपको उसमें व्हाट्सएप को ओपन कर लेना है। व्हाट्सएप को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको अपना नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी यहाँ पे आपको यस कर देना है। जैसे आप यस पे क्लिक करेंगे तो मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। गाइस ये जो ओटीपी है आपका आपके मोबाइल नंबर पे ना आके आपके वहां पे आएगा जहां पे ये पुराने अकाउंट में व्हाट्सएप लॉगिन है, तो उसमें आपको ये ओटीपी देखने को मिलेगा। तो आपको जाना है वहां पे, आपको ओटीपी मिल जाएगा। तो मैं डाल देता हूँ, मुझे मिल चुका है ये ओटीपी पुराने फोन में, देख सकते हैं यहाँ पे ये आ चुका है, ओटीपी डाल देना। उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई होगा, कंप्लीट हो जाएगा वेरिफिकेशन। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू। और आपको कुछ ऐसा ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहीं पे मेन चीज़ें आपको करनी है, आपको अपनी चैट को रिस्टोर करना है। यहाँ पे आपको आपकी आईडी दिख जाएगी ऑटोमेटिकली, ये डिटेक्ट कर लेता है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको रिस्टोर पे क्लिक करना है। जैसे आप रिस्टोर पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो चैट है वो रिस्टोर हो जाएगी। तो हमारी जो चैट है वो रिस्टोर हो चुकी है कम्प्लीटली, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे ओके, और उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी, और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और स्किप। उसके बाद आपका जो व्हाट्सएप है वो चालू हो जाएगा। तो देख सकते हैं हमारा जो व्हाट्सएप है वो चालू हो चुका है। तो कुछ इस तरह से जो है आप व्हाट्सएप को चालू कर सकते हैं। और अभी मैं इस फोन में दिखा देता हूँ, और यहाँ पे ये जो व्हाट्सएप है वो लॉग आउट हो चुका है। तो कुछ इस तरह से जो है आप पुराने फोन से नए फोन में व्हाट्सएप को चालू कर सकते हैं। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।